माँ का श्राद्ध। बचपन से हम सुनते आते हैं कि माँ बाप के चरणों में स्वर्ग होता है, उनकी सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं और कोई बड़ा पुण्य नहीं। लेकिन ना जाने क्यों बड़े होते ही हम ये सब भूल जाते हैं। इन भावुक कहानी को पढ़कर शायद कुछ लोगों को वो सारी बातें याद आ जाएंगी। दीदी याद तो है ना, कल माँ का श्राद्ध है, हमने बड़ी पूजा रखी है उनकी आत्मा की शांति के लिए, इसलिए आपको पूरे परिवार के साथ आना ही है। रूही अपनी नंद कोमल को फ़ोन पर कहती है, तभी कोमल उसकी भाभी को बोली, मैं नहीं आ सकती, आपको तो पता ही है कि उनको छुट्टी नहीं मिलेगी। अरे दीदी ऐसे कैसे, माँ के जमाई और बेटी उनके श्राद्ध में नहीं आएंगे तो उनको शांति कैसे मिलेगी, इसलिए आपको आना ही पड़ेगा, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। इतना बोलकर रूही ने फ़ोन रख दिया। इधर कोमल पुरानी यादों में खो गई। जब उसके पापा की मृत्यु हो गई थी तभी कोमल अपने मायके गई हुई थी। कोमल को माँ बोली, बेटा तुम्हारे पापा मुझे छोड़कर अकेले ही चले गए, पता नहीं अब किसके लिए अकेले छोड़ गए। माँ कोमल के गले लगकर रो रही थी। तब कोमल बोली, यह सब लोग तो है ना, भैया भाभी और बच्चे, तो चिंता क्यों करती हो। कोमल कई दिनों तक अपनी माँ के पास रह कर आई थी, लेकिन हमेशा ज़्यादातर फ़ोन पर बोलना होता था, कभी कॉल पर तो कभी वीडियो कॉल पर बोलना होता था, बेटा क्या बनाया तूने। एक दिन माँ ने वीडियो कॉल पर पूछा, माँ आलू की सब्जी और रोटी बनाई है। कोमल ने जवाब दिया। माँ बोली, अरे वाह। सब्जी का नाम सुनते ही माँ की आंखों में एक अलग ही चमक देखने को मिली जो कोमल को दिखी। तभी कोमल माँ को बोली, माँ तुम्हें खाने का मन हो रहा होगा तो भाभी को बोलो बना कर दे। कोमल हंसते हुए माँ से बोली। तभी माँ बोली, नहीं नहीं अब इस उम्र में आलू कहाँ पसते हैं, मैं तो ऐसे ही बोल रही थी, जब तुम्हारे पापा हुआ करते थे तब बहुत बार बनाती थी। भाभी का तो नाम लेते ही जैसे माँ की आंखों की चमक गायब सी हो गई। माँ ने कॉल रख दिया। माँ को क्या हो गया, ऐसे क्यों बोल रही थी, वहाँ सब ठीक तो होगा ना, कोमल अपने आप से बात कर रही थी। ऐसे बहुत बार खाने की बात पर बातचीत होने पर माँ की आंखों का भाव बदल जाता, लेकिन ऐसा क्यों था वो समझ नहीं पाई। लेकिन इसके पीछे का राज उसके समझ में आया जब वह छुट्टियों में 2 दिन के लिए मायके गई थी। एक दिन कोमल माँ के कमरे में माँ के साथ गपशप कर रही थी, तभी दीदी खाना खाने चलो रूही माँ के कमरे में आकर कोमल को बोली, चलो माँ तुम भी खाना खा लो। कोमल उठते हुए बोली, अरे दीदी नहीं, माँ को क्यों तकलीफ देना, वह यहीं पर ही खाना खा लेंगी, आप चलो। रूही बोली, लेकिन भाभी लेकिन वेकिन कुछ नहीं दीदी, आप चलो, माँ के घुटनों में दर्द होता है इसलिए माँ कमरे में ही खाना खाती है, रूही स्पष्ट रूप से बोलती है। तो फिर भाभी मेरा भी खाना यहीं पर लाओ, हम दोनों साथ में खाना खाएंगे, ऐसे कोमल अपने भाभी को कहती है। इस पर रूही कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन कोमल को साफ तरीके से समझ में आ गया कि रूही को यह सब पसंद नहीं आया। वह चुपचाप वहां से निकल गई और थाली में पूरी सब्जी रायता अचार लेकर आई और माँ के लिए खिचड़ी। माँ यह क्या है, तुम यह सब नहीं खाने वाली हो क्या, कोमल माँ को बोली। उतने में रूही बोली, अरे दीदी माँ को यह सब हजम होता ही नहीं, इसलिए मैं उनको खिचड़ी और दाल ही देती हूँ। इतना बोलकर रूही वहाँ से निकल गई। माँ ने अपनी प्लेट उठाई पर माँ का ध्यान कोमल की प्लेट पर ही था। यह देख कोमल सुन सी पड़ गई। उसने माँ के मुंह में एक पूरी का निवाला डाला, लेकिन माँ ने मना कर दिया। तब कोमल ने अपनी माँ की आंखों में वही भाव देखा था जो वीडियो कॉल पर देखा था। पता नहीं भाभी का डर था या लड़की के निवाले का मोह था।
तब भी कोमल ने पूरा खाना माँ को खिलाया और खुद खिचड़ी खाने लगी। 2 दिन कोमल वहीं पर थी और कोमल माँ को उसकी प्लेट का खाना खिलाती और खुद खिचड़ी खाती। ऐसे 2 दिन तक चला। माँ के बहुत मना करने के बाद भी कोमल मात्र जिद में माँ को खाना खिलाती थी। वह बोली, भैया मैं कुछ दिनों के लिए माँ को अपने घर ले जाती हूँ। घर जाने से पहले कोमल ने अपने भाई तन्मय को पूछा। वह बोला, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? लोग क्या कहेंगे, बेटा माँ को तकलीफ देता होगा इसलिए। माँ अपनी बेटी के घर रहती है, तन्मय गुस्से में बोला। अरे बाबा, सही तो बोल रहा है वह। माँ बेटी के घर जाती है क्या? भला तू आराम से जा अपने घर, मेरी चिंता मत कर, मैं यहाँ खुश हूँ, बेटे की बात सुनकर माँ बोली। कोमल ने बहुत जिद की लेकिन माँ बेबस थी। कोमल उदास मन से अपने घर वापस आई। कुछ दिनों बाद खबर आई कि माँ अब नहीं रही। इस खबर ने सब कुछ खत्म कर दिया था। कोमल को पता था कि माँ कितनी तकलीफ से गुजरी, लेकिन माँ को दूसरा लड़का नहीं था बल्कि एक लड़की थी, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकती थी। कोमल अकेले ही माँ के श्राद्ध में आई। आज माँ के श्राद्ध में 56 तरह के भोग बनाए गए। सब लोग मजे से खा रहे थे। लोगों ने रूही और तन्मय की वाहवाही करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दुनिया में सबसे अच्छा बेटा और सबसे अच्छी बहू कह रहे थे उन्हें। माँ के गुजर जाने के बाद इतना विचार कर रहे हैं तो माँ जिंदा थी तब कितनी सेवा की होगी दोनों ने। कोमल दुखी होकर माँ की तस्वीर की तरफ देख रही थी, तभी दीदी, चलो आप भी खाना खा लीजिए, रूही कोमल को बोली, जो माँ के रूम में माँ की तस्वीर सीने से लगा कर रो रही थी। वह बोली, नहीं भाभी, मुझे नहीं खाना। लेकिन क्यों? आप नहीं खाना खाओगे तो माँ की आत्मा को कैसे शांति मिलेगी, रूही कोमल को बोली। भाभी, जिस खाने के लिए मेरी माँ जब जिंदा थी तब तरसती थी, उसे मरने के बाद दे रहे हो तो वो कैसे खुश होगी? सोच कर देखो एक बार, आज आपने पकवानों का ढेर लगाया है। माँ जिंदा थी तब आपने उनकी मन पसंद खाने के 2 निवाले खिलाए होते तो माँ वैसे भी खुश हो चुकी होती। वही माँ का असल में श्राद्ध कहलाता। यह जो भी हो रहा है वह सिर्फ एक दिखावा है, इसकी वजह से माँ कैसे मुक्त हो पाएगी? और जिस घर में मेरी माँ दुखी होकर चली गई, उस घर का मैं कैसे खाना खा सकती हूँ भला, कोमल चिढ़कर रूही से बोली। तभी वहाँ पर तन्मय भी आ गया। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है भैया भाभी, वो जब भी किसी पर पड़ती है ना, तब जख्म बहुत गहराई तक और ना भरने वाली होती है। आप भी तो 2 बच्चों के माता पिता हो, लेकिन मैं भगवान से दुआ जरूर करूँगी कि आप जब तक जिंदा हो तब तक आप को दुखी ना रखें। माँ ने तो अपना वनवास भोग कर कहीं नया जन्म लिया होगा, लेकिन आपकी जिंदगी बहुत बड़ी है। कोमल यह सब बोलकर माँ की तस्वीर लेकर चली गई। पीछे रूही और तन्मय की गर्दन शर्म से झुक गई। माँ बाप जिंदा है तब तक उनकी सेवा करना, उनकी हर इच्छा पूरी करना, वही उनका असली श्राद्ध होता है। उनकी मृत्यु के बाद कितने भी 56 भोग बनाए, सब व्यर्थ है।